हेलो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि करंट गोल्ड प्राइस क्या है, जो आज है उसका ट्रेंड क्या रहा है और उसका फोरकास्ट क्या है। ये तीनों चीज़ आज हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं। अब ये डिस्कस करने का प्राइम रीज़न क्या है, क्योंकि गोल्ड ने पिछले कुछ समय में बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट दिखाई है और सवाल आता है कि इस लेवल पर परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जाते हैं डिटेल में, देखते हैं सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आज का बाजार भाव क्या है गोल्ड का। तो आज का जो MCX गोल्ड है 5 जून एक्सपायरी डेट का, ये 45,840 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने करीबन करीबन ये समझो कि इस बैंड के हायर लेवल पे है। इसने हाई हिट किया था 45,898 का, जो कि सिर्फ एक 60 पॉइंट यहाँ से ऊपर है, और जो लो था ये था 45,561। ये आज का चार्ट है। इसके साथ आपको एक बेसिक नीचे चार्ट दिख रहा है जो कि MCX पे इसी एक्सपायरी डेट का है। अब ये तो था आज का भाव, और जो MCX का रेट है इससे कुछ कम और सिमिलर इस पे आपके लोकल सिटीज़ में, वो चाहे बॉम्बे, दिल्ली, पुणे, चेन्नई में, इसी से सिमिलर जो गोल्ड ज्वेलर्स हैं, ऑफ कोर्स बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन अपना रेट निकालता है, पर कहीं ना कहीं वो रेट और जो MCX का गोल्ड रेट है इसमें आपको एक सिंक दिखाई देगा, एक डिफरेंस होगा, बट जो फ्लो है और जो ट्रेंड है वो सेम रहता है प्राइस का। तो हम इसके ट्रेंड से वो भी चेक कर सकते हैं। अब जाते हैं इसकी टेक्निकलिटी में। जो इंडिया गोल्ड ट्रेड करता है, ये ज़्यादातर गोल्ड हम इम्पोर्ट करते हैं, और ये जो गोल्ड आता है ये आता है गोल्ड USD पर ऑन्स में, जो हम इम्पोर्ट करते हैं। ऑन्स होता है लगभग एक 28 29 29 ग्राम के आसपास का एक ऑन्स होता है, जिसकी गोल्ड प्राइस डिसाइड होती है। यहाँ आपको एक टेक्निकल चार्ट दिखाई दे रहा है गोल्ड प्राइसेस USD पर ऑन्स का। फिलहाल जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है ये है $1,720 पर ऑन्स। तो अगर हम देखें तो ये अपने लगभग पिछले कुछ सालों के हाइस पे है, मगर क्या ये बॉटम आउट हो गया है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। हम देख सकते हैं 1750 के आसपास का लेवल इसने लगाया था 14 अप्रैल के आसपास, उसके बाद इसमें गिरावट आई, जैसे जैसे इक्विटी मार्केट में इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया है। अभी इक्विटी मार्केट ऑलमोस्ट पिछले वीक में सारे इंडियन एज वेल एज ग्लोबल मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे उसमें एक करेक्शन आएगा, वैसे हमें उम्मीद है कि गोल्ड और इक्विटी रिवर्स चलता है, तो ये और अब जा सकता है। अब सवाल है कि कितना अब जा सकता है। तो हम ये जो ट्रेंड लाइन है ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हम देखते हैं हिस्टोरिकली इसने क्या हाई या कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो जो 2008 के बाद का जो क्राइसिस था, उस टाइम पे 2011 में इसने करीबन करीबन $1,932 का हाई लगाया है, जो आज के हाई से करीबन 210 डॉलर्स पर ऑन्स ज़्यादा है। मतलब एक 5 से 6 हज़ार रुपये का अभी भी रूम है, अगर हम इस लेवल को अगला लेवल पकड़ के चलें, कितना अपसेट जा सकता है, तो ये हमने ट्रैक करते रहना चाहिए। और दूसरी चीज़, उस टाइम पे जो USD डॉलर्स का जो रेट था, ठीक है, USD to INR ये कम था, अभी USD to INR 75 रुपीज़ के ऊपर जा चुका है, तब वो 65 68 के लेवल में था। तो ये भी जो 10 12% का जो डिफरेंस है ये भी हमारे गोल्ड प्राइस में फैक्टर इन होगा, और जो इंडियन गोल्ड बास्केट का रेट है ये और भी हायर जा सकता है। तो ये एक बेसिक प्राइजिंग हमने डिस्कस किया, ट्रेंड हमने डिस्कस किया एकदम ब्रीफ में अबाउट गोल्ड प्राइजेस। हम जानते हैं कि क्या क्या गोल्ड के फॉर्स और अगेंस हैं, जो हम अदरवाइज डिस्कस कर सकते हैं कि हमने क्यों गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ सेफ हेवन, एक हेज है हमारी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, उसकी सेफ गार्डिंग इन्वेस्टमेंट गोल्ड हो सकती है, कि अगर इक्विटी करेक्ट भी करता है, मार्केट सेंटिमेंट डाउन भी होते हैं, तो जो हमारा गोल्ड इन्वेस्टमेंट है ये हमें आगे बेटर रिटर्न देगा। क्योंकि जब भी हमने देखा है हिस्टोरिकली कि मार्केट करेक्ट होता है या एक पिसिमिज्म है मार्केट में, तो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। सो हमें हमारे पोर्टफोलियो का एक 10% हिस्सा तो भी गोल्ड में लगाना चाहिए, ऐसा हर कोई बोलते हैं। ऑफकोर्स क्या इस लेवल पे लगाना चाहिए, तो ये सवाल है, हम नोट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि अगर ये फर्दर हमें किसी पॉइंट पे लोअर पे मिलता है कि मार्केट में इंप्रूवमेंट है और गोल्ड प्राइसेस करेक्ट होती हैं, तो वो एक अच्छा समय मिलेगा।
इन्वेस्ट करने के लिए तो हमने गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से गोल्ड हमेशा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा है। अभी हमने देखा, जो आपको चार्ट दिखाई देगा, अगर हम 99-2000 के लेवल से देखें तो ये हार्डली $260 पर ऑन्स के लेवल से आज इस लेवल पे आ गया, विच इज़ ऑलमोस्ट 9 टाइम्स दी लेवल, 8-9 टाइम्स का डिफरेंस दिख रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी ग्रोथ है। सो ये था बेसिक हमारा वीडियो। इससे जुड़े हुए आप सारे सवाल हमें पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।